Assalamu alaikum, subah khair and a very good morning to everyone. Umeed hai nazreen aap sab khairiyat se hain, theek thaak hain. Aur jaisa ki aap sabko pure Pakistan ko kya puri duniya mein is waqt jo corona virus ki ek waba hai, pandemic hai jisko ab unhone COVID-19 ka naam de diya hai, wo phaili hui hai. Ab karna kya hai aap sabko pata hai kyunki har television channel pe आपको बताया जा रहा है. आप किसी को आप कॉल भी करते हैं तो रिंग टोन में भी आपको बताया जा रहा है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है. लेकिन इसके साथ अगर आप एहतियाती तदाबीर अपनाएंगे तो आप इससे बच सकेंगे. उसमें सबसे पहली बात है कि आप लोग घर पे रहें, और अगर ज़रूरी अगर किसी ने बहुत जाना है तो एक आदमी जाए और वह एहतियाती तदाबीर में हैंड सैनिटाइज़र रखे, साथ में ग्लव्स आप पहन लें, साथ में मास्क होना ज़रूरी है. और कहाँ कहीं भी आप जाते हैं वहाँ पे कोशिश करें कि जब आप दरवाज़ा खोलते हैं तो अपने कोनी से दरवाज़ा खोलें. अगर आप पब्लिक जगह पे गए हैं और आपने लिफ्ट यूज़ करनी है तो भी आप कोनी से ही उसको यूज़ करें. हाथ कोशिश करें ना लगाएं, क्योंकि हाथ हम बेध्यानी में हाथ लगा देते हैं तो किसी और को अगर ये बीमारी है तो उसके जो जर्म्स हैं उसमें 12 घंटे तक रहते हैं, चाहे वो बैंक नोट्स हैं, चाहे वो दरवाज़े हैं, चाहे वो हैंडल्स हैं, चाहे वो कोई जगह है. अब अगर सोचने की बात यह है कि जब आप इस चीज़ के बारे में कॉन्शियसली यानी शौरी तौर पे सोचते हैं तो आप सारा वक्त कंफ्यूज्ड रहते हैं, और कंफ्यूजन के साथ साथ ये भी होता है कि आप थोड़े से अलर्ट रहते हैं कि अच्छा वो हाथ लगाना है. तो अब ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है कि आपने कुर्सी ऐसे पकड़ के पीछे करनी है, लेकिन इसमें आपको सारा वक्त अलर्ट रहना पड़ता है. अब सारा वक्त जब आप अलर्ट रहते हैं तो फिर क्या होता है, आप थोड़े से मेंटली जो है वो थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं, और ये अभी हमें पता नहीं चल रहा. इसका असरात जो है वो बाद में आपको फ़ील होंगे, और मुझे अभी से फ़ील हो रहे हैं कि जब भी चोट आपको लगती है उस वक्त दर्द नहीं होता, लेकिन एक या दो दिन के बाद आपको फिर दर्द शुरू हो जाता है. सो अभी हम रियलाइज़ नहीं कर रहे कि एग्जैक्टली हम लोग किस तरफ जा रहे हैं. तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप लोग अपना ख्याल करें, बच्चों का, फैमिलीज़ जो हैं जो घरों में हैं इस वक्त. ऑब्वियसली बड़ा मुश्किल टाइम है, और सिर्फ हम पे नहीं है, पूरी दुनिया में है ये. 199 कंट्रीज़ में अब ये वबा जो है वो फैल गई है, और आहिस्ता आहिस्ता कहाँ तक जा रही है मुझे अंदाज़ा नहीं है. और आप सबको अंदाज़ा हो ही गया होगा न्यूज़ सुन सुन के कि ये ऐसा एक दुश्मन है जिसके ख़िलाफ़ हम लोग जंग लड़ रहे हैं, जो कि नज़र नहीं आ रहा, नज़र किसी को नहीं आ रहा, लेकिन जंग लड़नी है. और इस जंग में आपका जो इम्यून सिस्टम है, जिसको हमें कुव्वत मदाफियत कहेंगे, वो सबसे ज़्यादा अहम है. और वो ज़्यादा अच्छी नींद से आपका मज़बूत होगा, विटामिन सी से मज़बूत होगा, और ये कि ज़्यादा परेशान ना होने की वजह से भी इम्यूनिटी आपकी जो है वो ठीक रहेगी. ज़्यादा परेशानी, अब ज़ाहिर है लोग बहुत ज़्यादा फिनिकी हो गए हैं, ठीक है एहतियात करें, लेकिन ओवर जो लोग घर बैठे बैठे भी उसका शिकार हो गए हैं, वबा का तो नहीं कहूँगी, एक दिमागी जो है साइकोलॉजिकल एक इफ़ेक्ट भी हुआ है इसका, मुझे भी हुआ है. कल मैं जब गई हूँ बाहर, मैंने चिड़ियों का बाजरा लेना था, तो वो जो मेरी ट्रिप थी मैं बाद में रियलाइज़ करी जब मैं ड्राइव करके वापस आ रही थी कि माई गॉड, इंसान थोड़ा सा सनकी होता जा रहा है, क्योंकि जहाँ मैं जाऊँ वहाँ पे मैं हाथ यूँ करूँ, फिर मैं सैनिटाइज़र हाथ धो धो के और सैनिटाइज़र लगा लगा के अपने हाथ जो है ना, मैं देख रही थी कल कि मुझे अपने हाथ लग ही नहीं रहे थे. तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आज जो शो स्टार्ट किया है वो इसलिए कि 1.5 घंटे आप और मैं दोनों कोशिश करके थोड़ा सा रिलैक्स भी करें, थोड़ा सा एंटरटेन भी हों, क्योंकि ये तो चीज़ जारी है, ये एक या दो दिन में ख़त्म होने वाली नहीं है, ये इसको टाइम लगेगा. तो उसके बीच में एक कहते हैं ना कि एक छोटा सा मोमेंट होता है जिसमें आप थोड़ा सा रिलैक्स करें, क्योंकि ये तो ऑन गोइंग है. अब मैं घर जाऊंगी तो ज़ाहिर है वही बात होगी, फिर शाम तक रात तक घर बैठ बैठ के भी एक आपके ऊपर इफ़ेक्ट हो रहा है. तो आज इंशाल्लाह हम लोग एंटरटेन होंगे, मैं भी कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं भी घर बैठ बैठ के, आज मैंने मेकअप किया तो मुझसे मेकअप ही नहीं हो रहा था क्योंकि इतने दिन बाद मैंने मेकअप किया. और आप लोग भी घर बैठे बैठे थोड़े से रिलैक्स करेंगे. तो आज हमारे जो गेस्ट हैं वो मेरे बड़े डियर फ्रेंड हैं. गाने बहुत अच्छे, अब देखिए ना मैं फंस रही हूँ, इतने दिन बाद लास्ट सैटरडे शो किया था,
उसके बाद संडे को रिपीट, और इतनी लंबी घर में बैठते बैठते थोड़ा से रिफ्लेक्सेस भी आपके थोड़े से स्लो हो जाते हैं. तो आई ट्राई कि उसी स्पीड पे और उसी जो मोमेंटम है उस पर आपके साथ में आ जाऊँ और आप भी मेरे साथ आ जाएँ. तो आज एंटरटेनमेंट थोड़ी सी होगी बल्कि ज़्यादा होगी. और आज एनेस्थीजियोलॉजिस्ट हैं और साथ में गाना बहुत अच्छा गाते हैं. तो आज हम थोड़ी बहुत सेहत और कोविड 19 यानी कोरोना वायरस की शुरू में बातें करेंगे और उसके बाद उनसे सुनेंगे गाने और थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे दिमाग को और थोड़ा सा मैं भी थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे. घर में भी अगर आप हैं तो घर में रहें. घर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो कि आप हेल्दी कर सकते हैं, जिससे आपका मूड अच्छा हो सकता है. जिस तरह आप अपने कबर्ड्स ठीक कर सकते हैं, जो काम आपने इतने अरसे में नहीं किया वो आप अब कर सकते हैं, और किताबें पढ़ सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, अपने बारे में सोच सकते हैं और अपने आप के साथ कनेक्ट करने का अब आपको मौका मिला है, नेचर के साथ कनेक्ट करने का मौका मिला है. और अल्लाह ताला ने नेचर को और दुनिया में जो इस वक्त ओजोन लेयर है वो कदरे बेहतर हो गई है, क्योंकि गाड़ियाँ बंद हो गई हैं. जो वबा है वो थोड़ी सी, जो वैसे आबो हवा है वो इतनी क्लियर हो गई है, कहते हैं कि आसमान ज़्यादा क्लियर नज़र आने लगा है. और इंसानों ने वैसे कुछ इतना अच्छा किया भी नहीं इस दुनिया के लिए. मतलब हम लोगों ने ज़्यादातर पैसे की दौड़ में और इंडस्ट्री और हर वक्त कोई ना कोई ऐसी चीज़ जिसमें इंजन्स यूज़ हो रहे हैं, जिसके अंदर ये आपके और मशीनें यूज़ हो रही हैं, उसकी वजह से जो आबो हवा है उस पर बहुत असर हुआ. तो अब जाके आबो हवा थोड़ी सी क्लियर हुई है, जानवर और हयातियात जो है और बाकी जो इन्वायरमेंट है वो पहले से कदरे बेहतर हुई है. तो आज करेंगे एंटरटेनमेंट. ग्लव्स मैंने पहने हुए हैं, वो मैंने आदत बना ली है अपनी, और साथ में मास्क भी पहना हुआ है. और इंशाल्लाह मैं आपको संडे वाले शो में, अगर आपको मास्क नहीं मिल रहा तो कैसे आप DIY यानी डू इट योर सेल्फ आप घर में भी बना सकते हैं, बहुत ईजी है बनाना. सो इंशाल्लाह आपसे खूब सारी बातें होंगी. चाय मैंने पहले एक घूंट पी लूँ. नाज़रीन आज बाल मैंने बिल्कुल धो के छोड़ दिए, ये मेरा अपना टेक्सचर है. कुछ लोग सोच रहे होंगे पता नहीं मैंने पर्म कराए हैं, लेकिन अब तो ब्यूटी पार्लर्स भी बंद हैं, नेल्स भी नहीं करा सके. तो ज़िंदगी जो है वो एकदम से, वो कहते हैं ना आपने रीस्टार्ट किया, जैसे सारा कुछ रीस्टार्ट हुआ है. अब वो ख़वातीन जो अफसोस करती थी कि मेरे मियाँ तो घर पर आते ही नहीं है, टाइम नहीं देते, अब वो इतना टाइम दे रहे हैं कि अब आप जो है ना तंग ही आ रही होंगी कि कब जाएँगे, कब बाहर जाएंगे, क्योंकि अब आपको खाने पकाने पड़ रहे हैं, बच्चे भी सर पे हैं. तो वो जो आपकी ख्वाहिशात थी वो अल्लाह ने ऐसी सुन ली हैं कि अब लोग घरों में ही महसूर होके रह गए. सो ये भी एक अच्छा है कि आपको आपस में कनेक्ट करने का मौका मिल गया. तो आज का सवाल आपको बता दूं कि आज का सवाल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है. दुनिया में सबसे पहले पेट्रोल किस मुल्क में दरियाफ्त हुआ? दुनिया में सबसे पहले पेट्रोल किस मुल्क में दरियाफ्त हुआ? और आज हमारे साथ गेस्ट जो है वो डॉक्टर वासिफ इकबाल होंगे, जो कि एनेस्थीजियोलॉजिस्ट हैं और साथ में गाने बहुत अच्छे गाते हैं, और उनसे खूब गपशप लगा के हमेशा इट्स ऑलवेज अ प्लेजर. व्हाट्सएप नंबर जो है 0335-488-434. लाइव कॉल आप कर सकते हैं 0514-104-249 पे. और आज आपको हाउ टू मेक हैंड सैनिटाइजर एट होम, इसकी एक छोटी सी क्लिप है वो आपको दिखानी है. और नूर जहान, मैडम नूर जहान का ज़बरदस्त सा सॉन्ग है चांदनी रातें, उससे भी आप एंटरटेन होंगे. म्यूज़िक वैसे भी इंसान को बहुत रिलैक्स करता है. सो ये हो गई आपकी डिटेल्स. बाकी जो के2 सेहर मिशी खान का पेज है उसको आप ज्वाइन कर लें. मिशी खान एट मिशीलिशियस इज़ ऑन ट्विटर. टिकटॉक जो है दैट्स मिशी खान ऑफिशियल, और साथ में यूट्यूब भी मिशी खान ऑफिशियल, और नाज़रीन इंस्टाग्राम भी मिशी खान ऑफिशियल, एक ही रखा है ताकि कन्फ्यूज़न ना हो. और साथ में हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इतने अरसे बाद उनसे फ़ोन पे ही बात कर रही हूँ. अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? दावर भाईजन, बार भाईजन, खार भाईजन, आपको मेरा ख़ास सलाम. एंड आई होप ऑल ऑफ़ यू आर वेल एंड हैप्पी. एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स एंड द पीपल अराउंड यू. और लोगों को भी प्लीज़ थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश करें. अवेयरनेस ज़रूरी नहीं कि बहुत सीरियस, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया की जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रिम हैं. तो उसमें कहीं ना कहीं मेरे जैसे या मेरे जैसे और लोग हैं वो आप तक थोड़ी सी एंटरटेनमेंट भी पहुंचाना चाह रहे हैं, तो कि ताकि आप लोगों का हैवी माइंड जो है वो थोड़ा सा लाइट हो जाए. तो आप कॉल करें और बात करना चाहें तो बात कर सकते हैं. और आज आपको ज़बरदस्ती मैं चुकंदर की तरकारी बनाना बताऊँगी, जो कि मैंने अपने टिकटॉक पर भी लगाई है, और साथ में जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी, अगर इधर मिस होगी तो आप उधर भी देख सकते हैं. वैसे इसकी जो शो की अपलोड होगा वो हमारे के2 सेहर मिशी खान के पेज पे अपलोड हो जाएगा.
और खूब मज़े की होती है। चुकंदर यूजली सैलड्स के अंदर डलता है, लेकिन इसमें जो ख़ास बात है वो ये कि इसको आप चपाती के साथ भी खा सकते हैं और सफ़ेद चावलों के साथ भी खा सकते हैं। बाकी कुछ मेरे ख्याल में दुनिया में मैं ये कह सकती हूँ कि ये एक वर्ड जो है वो सबसे ज़्यादा जो यूज़ हुआ होगा पूरी दुनिया में वो है कोरोना वायरस। मतलब अब ऐसा लगता है कि कोई आपके साथ आपका कोई रिश्तेदार है जो साथ साथ चल रहा है कोरोना वायरस कोरोना वायरस कोरोना वायरस कोरोना वायरस। तो ये ऐसी कोई वायरस है कि पता नहीं कहाँ से आया और किसने वो किया है। हमारे साथ कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वाहेगी अल्लाह सलामती मेरे वाजिब अल-एहतराम जनाब कामरान साहब सीएम तमाम के तमाम प्रोड्यूसर साहबान सब कारकुनान अल्लाह इनको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप भाई साहब? ठीक ठाक हैं बेटा? बड़ा अल्लाह का करम है, बड़ा अल्लाह का एहसान है, अल्लाह आप पर भी एहसान फजल करम एहसान रखे। आमीन सुबामीन, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बड़े दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है ऑन स्क्रीन। कोई बात नहीं बेटा, ये काम चलती रहते, कभी देर कभी अंधेर। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो आपने क्या किया? सब घर में है, अब तो खूब रौनक होगी आपके घर में बेटा? अपने अपने कमरों में सब की रौनक है। अच्छा, अपने अपने घरों में अपने अपने कमरों में सब की रौनक है। पोते पोतियां बेटे बेटियां नवासे नवासियां सब अपने अपने कमरों में बगू रहे हैं। आप अकेले हैं बाहर? मैं अपने कमरे में अकेले ही होता हूँ बेटा। बस ये अलमिया है कि घर में रह के भी अब आप अलहदा अलहदा रहते हैं। बस बेटा ये अल्लाह की हिकमत है ना, कानून है ना उसका, ये नहीं अल्लाह ताला की हिकमत तो नहीं है ये। देखो जी, जब अल्लाह तबारक ताला दुनिया में जोड़ा पैदा हुआ किया है, एक चला गया एक रह गया, तो अल्लाह की हिकमत है ना जी ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये कि आपके यहाँ लाउंज या कोई बड़ा ड्राइंग रूम जहाँ सारे मिल के बैठे हैं शाम में या दोपहर में? वो बच्चे मेरे पास आते रहते हैं, पोते पोतियाँ नवासे नवासियाँ बहुए बेटियाँ बेटे आते रहते हैं, खब मचाते रहते हैं, बस म्यूजिक देखते रहते हैं, पुरानी पुरानी फिल्में देखते रहते हैं, कहते हैं अबू ये पुरानी फिल्में मैं, हाँ ये हैं पुरानी फिल्में। ओह दैट्स सो स्वीट, दैट्स सो स्वीट। तो और आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? हाँ बेटा बड़ा से ठीक है, अल्लाह का करम एहसान है। बस आप अपना ख्याल करें भाई साहब, और बाहर वैसे आप ज़्यादा तो मेरे ख्याल निकलते नहीं हैं, लेकिन ये कि बाहर मतलब आबो हवा में ज़रूर निकलें। नहीं बेटा मैं अपनी रूटीन नहीं छोड़ी है। क्या रूटीन आपकी? असर की नमाज के बाद मैं वाकई निकल जाता हूँ, जिस तरह बंदा कोई नहीं होता आजकल। तो वैसे भी नहीं, मैं कोई 15 मिनट में पहुंची हूँ आज, लग रहा था धरने में भी इतना अकेला नहीं था रोड जितनी आज थी। अल्लाह खैरियत लाएगा बेटा, अल्लाह खैरियत लाएगा। मंजूरी लाए को मेरा बहुत बहुत सलाम पेश कीजिए अगर उसका फोन आ जाए तो। बिल्कुल, खैर खैर मुबारक कह रही हूँ। ठीक है भाई साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर लवली कॉल। और नाज़रीन ये बड़ा अच्छा होता है कि माशाल्लाह से हमारे जितने शोज़ हैं उसमें जो कॉलर्स हैं ना उनकी आपस में भी एक केमिस्ट्री मिल जाती है, और इट्स रियली अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त है। तो अब मैं चाहूँगी कि चुकंदरिया का चुकंदर का जो सालन है तरकारी है वो भी चल के बनाते हैं, आप लोगों की कॉल्स भी और मैसेजेस भी आप भेजें 0335-4888-434 पे। आज का सवाल है कि पेट्रोल जो है वो सबसे पहले किस मुल्क में निकला था? चुकंदर, चौकंदर, चौकीदार वाली स्पेलिंग लिख दी है मैंने, चुकंदर, चुकंदर की तरकारी बन रही है। और नाज़रीन एक अदद कमर्शियल ब्रेक का टाइम आ गया। अब एक्चुअली ये कोरोना वायरस ने दिमाग पे ऐसा असर किया है कि सोचते सोचते इंसान कहता है सब कुछ ठीक है पहले जैसा है, लेकिन एकदम से कोरोना आ जाता है दिमाग में। तो चलते हैं क्विक सा कमर्शियल ब्रेक के, वापस आते हैं तो चुकंदर की तरकारी की आपको मैं चीज़ें बता दूँगी और मेरी बात करने की स्पीड थोड़ी सी कम होगी क्योंकि खामोशी में हम लोग बस कोरोना वायरस के बारे में ही कर रहे हैं। आज इंशाल्लाह बातें करेंगे, म्यूज़िक थोड़ा सा यू नो चार्ज होंगे, बैटरी डाउन हुई है थोड़ी सी, चार्ज करूँगी आप लोगों की बैटरी चार्ज करूँगी। तो लेते हैं क्विक सा कमर्शियल ब्रेक। छः फुट का फासला रखो भाई नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं इधर अभी हमारे पास इंच टेप नहीं है लेकिन मैं देख रही हूँ कि मेरे जो क्लोजेस्ट कैमरा मैन है वो 6 फुट, अब मैं इधर आऊँगी तो 3 फुट हो जाएगा।
इसको मैं कह रही हूँ कि ये ज़हनी अमराज से हम लोग गुजर रहे, वैसे ही हम लोग गुजर रहे थे और अब कोरोना वायरस के बाद हम लोग और ज़्यादा गुजरेंगे बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि दिस इज़, मैं अपने आप को कल थोड़ा सा पागल फील कर रही थी लेकिन फिर मैंने कहा ज़ाहिर एहतियाती तदाबीर जो है वो तो आपको अपनानी है, क्योंकि जब मैं गाड़ी से उतरी बाजरा लेने तो मैं बाजरे अच्छा। और एक और चीज़, जो लोग मास्क में इधर उधर थे ना वो एक दूसरे को ऐसे करके देख रहे हैं, ऐसे करते हुए जा रहे हैं, इतना मुझे वियर्ड लगा कल लोगों का बिहेवियर। और ये आप तैयार रहे इस चीज़ के लिए बिकॉज ये है ऐसा, कोई आपके गलती से खांस लेगा ना, गलती से अगर साइड पे होगे भी तो लोग भाग जाएंगे उस जगह से, ये ऐसा देख लेना आप। अब मैं ग्लव्स को ही धो रही हूँ, हैंड वॉश कर कर के नजी मेरे हाथ और ऑफ कोर्स काफ़ी उसके हम प्लीज़ मॉइस्चराइज़र भी लगाएं क्योंकि बड़ा ज़रूरी है। दिस इज़ सच अ मेंटल एक कश्मकश में डल गए हैं हम लोग, पता नहीं किन लोगों की वजह से अल्लाह ताला को जो है नागवार गुजरा और उनमें से हम तो नहीं हैं बिल्कुल भी, लेकिन ये कि सारे प्राइस पे कर रहे हैं अब। खैर एनीवेज, अब आ जाते हैं चुकंदर की तरकारी की तरफ और आपका नंबर जो है वो थोड़ा चेंज हो गया बिकॉज़ वो बारिश बहुत बार हो रही है, आप देख रहे हैं बाहर कितना अंधेरा है इस वक्त, रात से बारिश हो रही है तो नंबर चेंज हो गया 4102357 पे आप कॉल करें, आपके मैसेजेस भी मैं अभी पढ़ने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले चुकंदर आपने अच्छी तरह जो है इस तरह भुजिया के स्टाइल में काट लेना है, ये देख लें आप इस तरह करके ये काट लिया आपने, इसमें दही डलेगा, एक से डेढ़ प्याज डलेगी और साथ में एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून ये टर्मरिक यानी हल्दी पाउडर, एक टीस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, हसबे ज़ायका नमक, ये कटी हुई हरा धनिया, कटी हुई नहीं कटा हुआ ना जी, कटा फीमेल बना दिया मैंने धनिया को, कटी हुई कटा हुआ धनिया, हरी मिर्चें और एक अदद लीमू और थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट, अगर कुटा हुआ हो तो और ज़्यादा अच्छा है। अब हम अपने इसका रेसिपी का आगाज़ करते हैं और खूब सारी बातें आपसे करनी थी लेकिन आज ही पिछले दिनों से इट्स लाइक अ होल थिंग गोइंग, लेकिन कुछ लोगों को इस बात की समझ नहीं आ रही है हमारे मुल्क में कि ये कितना एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाएंगे और गवर्नमेंट तो कह जा रही है कि भाई खुदा के वास्ते आप लोग घर में रहें, और लेकिन ये कि वो मनचले नौजवान जो हैं वो फिर उनको मुर्गा भी बनाया जा रहा है, उनको सजा सोटियाँ भी पड़ रही हैं उनको, लेकिन मजाल है किसी को समझ आए। इसमें अब मैंने हसबे ज़रूरत डाल देना है ऑयल, घी भी आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन आजकल भी क्योंकि अभी तक सर्दी थोड़ी है तो उसकी वजह से थोड़ा सा जम जाता है, तो इसके साथ साथ अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक अदद प्याज, ठंडे तेल में ही डाल रही हूँ ताकि वो शोर उगुल ना हो, और साथ में मैं इसमें एक टीस्पून लेवल्ड इसका ये जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ये मिक्स है ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, उसको थोड़ा कुक होगा और साथ में खूब सारी बातें करेंगे आपके साथ। अजी बातें क्या करें, टीवी देखते रहे या एक दूसरे की, अब तो वो खवातीन जो हैं मैंने तो सुना है खूब खाने पकाने पड़ रहे हैं क्योंकि अब तो मियाँ घर पे, आपके पास तो टाइम ही नहीं है, आप जल्दी नहीं घर आते, अब वो ऐसे घर बैठे सारे कि अब वो तंग आ गए हैं कि भाई कब जाएंगे आप ऑफिस, अब ऑफिस जब खुलेंगे। लेकिन ऑन द अदर साइड एक बात भी है कि शायद ये इसलिए भी नेचर की वजह से नेचर ने डिसाइड किया कि हम लोग एक दूसरे से इतने दूर हो गए थे कि देखिए अभी हाजी साहब का फ़ोन आया कि कमरों में बैठे हुए हर कोई अपनी प्लेट लेके कमरे में जा रहा है, कमरे में हर एक ने अपना टीवी लगाया हुआ है, तो कनेक्शन फैमिलीज़ का बिल्कुल ऑफ हो गया है। और रहमत प्लीज़ थोड़ा नाजीन, उसकी वजह मैं बताऊं कि घर में बैठ बैठ के खाना खाना पड़ रहा है, ज़ाहिर है खाना ही खाएंगे एंटरटेन होने के लिए, तो उसकी वजह से वज़न भी बढ़ गया है, तो इतना गोल मुँह जो है ये देखें आय हाय हाय ये। अब इसी में मैं जो ज़ीरा है एक टीस्पून ज़ीरा ये आपने इसमें शामिल कर देना है, अब इसको अच्छी तरह थोड़ा सा भूनेंगे, थोड़ा सा मैं इसका ढक्कन रख दूं ताकि, एक तो हमारा फ़ोन उसी टाइम दूसरी नंबर ख़राब हुआ, अब आप कर सकते हैं कॉल, लाइव कॉल कर सकते हैं 0514102357। अब जितने मेरे व्यूअर्स हैं उनको दोबारा पास लाने में भी मुझे पूरा एक प्रोग्राम लगेगा, फिर कल से इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ये भी है तो PSL भी था उसकी वजह से भी लोग थोड़े कन्फ्यूज़ हो गए
कि मैं सुबह काफ़ी सारे लोगों ने बल्कि पूछा भी कि अब आप मॉर्निंग शो नहीं कर रही हैं, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि बिल्कुल मैं कर रही हूँ और फ्राइडे सैटरडे संडे मैं आपके साथ हुआ करूँगी। और कल इंशाल्लाह बच्चों का स्पेशल है, लेकिन बच्चे उसमें नहीं होंगे, मैं लेकिन बच्चों को एंटरटेन करने के लिए कल मैंने खूब चीज़ें सोची हुई हैं। तो बच्चे देख रहे हैं कल का प्रोग्राम, आपने सुबह का 9:30 बजे देखना नहीं भूलना, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी मज़े की उसमें चीज़ें हैं जितने बच्चे देख रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मिशि खान, क्या हाल है? सना बड़े से बात कर रहा हूँ, क्वेटा। क्वेटा से कौन? सनाउल्ला बड़े से बात कर रहा हूँ। सनाउल्ला साहब, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? मैडम आप ठीक हैं? तबीयत सही है और खैर है? बस ठीक ठाक, खैरियत से। आप सुनाएं। जबरदस्त, A1 फैंटास्टिक। आप ठीक ठाक हो? बस अलग फजल, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाह रहा था कि आजकल सारे तमाम प्रोग्राम में, सारे चैनलों में कोरोना के बारे में बातचीत होते हैं, लोग नफ्सियाती मरीज बन गए जैसे। जी ऑलरेडी हम थोड़े बहुत थे और अब सोने पे सुहागा हो गया। अभी थोड़ा सा इस पे जो सिर्फ ये एबीसी खैबर के चैनलों पे थोड़ा सा ये कम था, तो चले आज का प्रोग्राम आप देखिएगा, आज आप एंटरटेनमेंट, मैंने कहा एक घंटे के लिए हम भूल जाए कोरोना वायरस को। और आज हमारे जो गेस्ट भी हैं वो बड़े अच्छे सिंगर हैं, गाने गाएंगे, थोड़ा सा डांस मानस करेंगे। हाँ, तो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट होना चाहिए ताकि लोगों के जहन से ये भूत उतर जाए, बहुत परेशान है लोग। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी तो कोशिश है और इंशाल्लाह आज से ये कोशिश जारी रहेगी। आया बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। अच्छा, आज के सवाल का जवाब देंगे, सबसे पहले पेट्रोल जो है वो किस मुल्क में निकला है? हेलो, कितने प्यारे हमारे कॉलर हैं, बहुत ही प्यारे कॉलर थे क्वेटा से। ओके नाजीन, प्याज और लहसुन अदरक का जो पेस्ट है उसको अच्छी तरह भून के अब इसमें मैं मसाले डाल रही हूँ। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डलेगा इसमें और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डलेगा इसमें और साथ में 1/2 टीस्पून ही धनिया पाउडर डलेगा और इसमें हसबे जायका नमक 1 टीस्पून के बराबर मैं डाल रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें अभी दही भी डलेगा और दही इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 1 कप के बराबर। लेकिन अभी नहीं, इसको अच्छी तरह फेंट लेते हैं, चमचे से ही फेंट लें बिल्कुल, ताकि इसकी जो स्मूथ टेक्सचर हो जाए, इसका स्मूथ एज सिल्क। ये हो गया, अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्सी करते हैं, थोड़ा मिक्स करके आपने छोड़ देना है ताकि सारे जो फ्लेवर्स हैं वो यकजान हो जाएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम, क्या हाल है? आप ठीक हैं? मैं ठीक ठाक, कौन बोल रहे हैं? मैं शहाब शाह बात कर रहा हूँ कराची से। ऊंचा कर दें थोड़ा, कौन बात कर रहे हैं? मैं शहाब शाह बात कर रहा हूँ कराची से। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। लिखा हुआ है। और आप सुनाए, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी तो मैं काम पे होता हूँ, मैं यू इंडस्ट्री में काम करता हूँ। अच्छा, तो अभी मतलब है कि घर में बैठा हूँ तो मैंने टीवी पे ऑन किया तो मैं पठान हूँ तो ये पुश्त वाले चैनल देख रहा था, तो अभी इसमें आपकी जो चैनल आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। अरे थैंक यू सो मच, मैंने इसीलिए कहा आज का प्रोग्राम जरा इंजॉयमेंट करते हैं ताकि थोड़ा दिमाग हम सबके रिलैक्स हो जाए। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए और हमें पॉजिटिव होना चाहिए, हमें ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। आज अल्लाह का शुक्र है कि जो पाकिस्तान के हालात है वो दूसरे मुल्कों से कहीं ज़्यादा बेहतर है और हमने हमारी जो इन्वायरमेंट है और जो हमारी मतलब ग्रोथ जिस तरह से हो रही है तो हमारी इम्यूनिटी दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज है, अमेरिका है, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। Absolutely. तो इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा, इंशाल्लाह। आमीन सुमा आमीन सर। अच्छा, आज के सवाल का जवाब बताएंगे कि पेट्रोल जो है दुनिया में सबसे पहले किस मुल्क में दरियाफ्त हुआ? आई थिंक आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक अमेरिका में दरियाफ्त हुआ था। आई एम नॉट श्योर। ओके, अमेरिका में। अच्छा शाह साहब, आप क्या काम करते हैं? मैं यूएस एम्बेसी में काम करता हूँ, मैं लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेटर हूँ वहाँ पे। अच्छा, जबरदस्त, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे शो में पार्टिसिपेट किया, थैंक यू सो मच। प्यारे से हमारे शो आप साहब थे फ्रॉम कराची। नाज़रीन अभी तक कॉल आ चुकी है, कहाँ से? अटक से, कराची से और क्वेटा से। अब देखते हैं कि लाहौर से कब आती है, सारे प्रोविंसेस को कवर करेंगे आज। अब आप देख लें कि चौकंदर जो है उस नाज़रीन इतने मज़े का कलर है ना इसका, आय हाय हाय, ये चेक करें, चेक इट आउट। अब इसकी कुक, अब ये रेड के अंदर ग्रीन जब डलेगा, आय हाय हाय,
थोड़ा सा मैंने अभी डाल दिया है धनिया, और साथ में हरी मिर्चें थोड़ी सी अभी डाल रही हूँ, बाकी मैंने गार्निशिंग के लिए रख दी है यानी एंड में, और एक लीमू इसमें निचोड़ रही हूँ मैं, लीमू निचोड़ना बड़ा ज़रूरी है, और क्योंकि ये रूट वेजिटेबल है जिस तरह शलजम और बाकी है, इसके अंदर अगर हम शक्कर डाल देते हैं जो कि गुड़ वाली शक्कर है एक टीस्पून, तो उससे फ्लेवर इसका बड़ा इन्हांस होगा। अब कहाँ है शक्कर ये नहीं पता, पता है किसी को शक्कर का? शुगर पड़ी हुई है, शुगर डाल देते हैं। ओके, एक टीस्पून डाल रही हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, क्या हालचाल है, कैसी हैं? फाइन। कौन बोल रही है? मैं मिसेज नादिर जैदी बोल रही हूँ। मिसेज नादिर किस जगह से? इस्लामाबाद से बोल रही हूँ। इस्लामाबाद से, कैसी है मिसेज नादिर आप? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मौला हमारे मुल्क पे और कौम पे जो भी मुश्किल आई है उसमें हल करे हमारी मुश्किलों को, आमीन सुवामी। दूसरी बात है, आप बड़ी प्यारी चीज बना रही हैं, लेकिन ये आप शुगर भी इसमें ऐड कर रही हैं, तो ये तो शुगर पेशेंट्स के लिए अच्छी चीज नहीं। नहीं, ये तो मैंने ऑप्शनल रखा है, अभी मैं बता, आपकी कॉल आ गई, मैं यही बताने वाली थी कि ऑप्शनल है कि जो शुगर पेशेंट्स हैं वो बेशक शुगर जो है वो ऑप्शनल है, बेशक ओमिट कर दें आप, ना डालें उसमें। सेकंड, सिर्फ एक आपने बहुत अच्छा किया कि आज जरा सा चेंज होना चाहिए, डिप्रेशन से निकलना चाहिए, बट हम हैं तो सही ना इसमें, तो मैं ये एक सिर्फ सजेशन देना चाह रही हूँ, ये हज के बारे में जो कुछ हो रहा है, अगर ये सारे पैसे हम इन सबको मुस्तहिकीन के अंदर वो कर दे तो हमारा हज अकबर नहीं हो जाएगा ये? बिल्कुल 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 सही कहा आपने, बड़ा अच्छी आपकी सजेशन है। ये सिर्फ एक आपका प्लेटफॉर्म है बात आगे पहुंचाने के लिए कि हम हज के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं, काश ये चीज हम अपने मुस्तहिकीन को अगर दे दें, अपनी जकात खैरात जो चीजें भी देती हैं, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से भी हुक्म है अपने से बेहतर चीजें दी जाए ना अपने जरूरतमंद इंसान को। बिल्कुल, तो बिल्कुल। हज की कोशिशें करें, बेशक करें, अल्लाह ताला की तरफ से वो तो है, अल्लाह वैसे भी बुला लेगा, मौजिज़ नुमा है वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम ये तमाम अखराजात अपने इन जरूरतमंद भाइयों को, बहनों को जिन्हें जरूरत है, जो आटे के लिए और मुश्किलों के लिए रो रहे हैं जी, उनके लिए हम ये यूज कर लें, तो काइंडली आपके प्लेटफॉर्म से मेरी ये बात थी। बिल्कुल, और बिल्कुल, उम्मीद है कि ये कई लोगों ने सुनी होगी और इस पे अमल पैरा करेंगे, क्योंकि हम सबसे बड़ी दिल की दुनिया में भी एक काबा बनाना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को मंजूर और कबूल फरमाए। आमीन सुभान अल्लाह। फिर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत प्यारी सी कॉल थी, उन्होंने बड़े अच्छा एक ऑप्शन, एक आपको आइडिया दिया कि वाकई में इस टाइम पे जाहिर है हर जगह जो है कॉन्ग्रीगेशन जो है उसको मना कर दिया गया है, और देखिए अल्लाह ताला का घर जो है खाना काबा वो इस वक्त जो है नहीं, वहाँ पे लोग जा सक रहे, और मस्जिद नबी भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार करने वहाँ पे उनसे मिलने के लिए, तो इसी तरीके से इसका मतलब ये कि यहाँ पे भी इसको, इस वबा को रोकने का यही एक तरीका है, क्योंकि लोग बहुत जमा होते हैं तो नहीं चाह रहे कि ये जो पेंडेमिक है ये फैले। तो आपकी बड़ी अच्छी सजेशन थी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक क्विक से कमर्शियल ब्रेक पे जाना है, सॉन्ग पे। ओके नाज़रीन, ये देख लें मैं इसमें गोल टमाटर काट रही हूँ, क्योंकि गोल टमाटर जो है वो एकदम से गल जाते हैं, ये कर लिया, और सॉन्ग पे जाने से पहले ये मैंने दही का एक कप इसमें डाल रही हूँ, पूरा दही का पूरा एक कप मैंने डाला है इसमें, इसको मैं हिला लूँ थोड़ा सा। ये अब आप देखें दही से जो इसका फ्लेवर है ना और ग्रेवी है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी, आप देखिएगा। और इसको अब मैं हल्की आंच कर रही हूँ, बहुत हल्की आंच कर रही हूँ, अब ये क्योंकि रूट वेजिटेबल है इसको थोड़ा टाइम लगता है पकने में। अच्छा, टमाटर भी ऑप्शनल है, अगर आप खाली दही डाल रहे हैं तो बेशक टमाटर ना डालें, मैंने डाल दिए क्योंकि मुझे इस वक्त अवेलेबल थे, अगर आपके पास नहीं है तो बेशक आप ना डालें। इसको हम कवर कर देते हैं और ये हल्की आंच पे अपने ही पानी में इंशाल्लाह जब बनेगा तो आप चावलों के साथ, सफ़ेद चावलों के साथ या फिर रोटी के साथ खा सकते हैं। तो अब वक्त हो गया है एक खूबसूरत से गाने का, ताकि आप लोग रिलैक्स हों और इंजॉय करें। खूबसूरत शख्सियत जो कि मलिका तरम नूर जहाँ, उनका सॉन्ग है, वो चल के सुनते हैं, ब्रेक पर चले जाएँगे, उसके बाद हमारे साथ होंगे बहुत ज़बरदस्त गेस्ट डॉक्टर वासिफ इकबाल, जिनसे कुछ एहतियाती तदाबीर के बारे में पूछेंगे, एंड ऑफ कोर्स इज़ अ ग्रेट सिंगर, उनके गाने सुनेंगे, ताकि हम लोग ईजी होके थोड़ा सा दिमाग को रिलैक्स कर लें। सो चल के सुनते हैं मलिका तरम नूरजहान का सॉन्ग। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। ब्रेक पे गए थे, उससे पहले आपने खूबसूरत सॉन्ग सुना मलिका तरम नूरजहान साहिबा का, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे।
اور میرے جو گیسٹ ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں اور 17 آرز کی ڈیوٹی کر کے ہاسپٹل سے ایک گھنٹہ سوئے ہیں اور ماشاءاللہ اتنے فریش لگ رہے ہیں میرے بڑے ڈیئر فرینڈ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زبردست گانا گاتے ہیں ٹیلنٹڈ ہیں اور ساتھ میں ڈاکٹر ہیں اینستھیزیولوجسٹ ہیں اور اتنے مشکل پروفیشن کے ساتھ اتنا انٹرٹیننگ ان کا نے چوز کیا یہ کیسے آپ لوگوں کے بھی سوالات ہوں گے تو آپ لوگ کال کر سکتے ہیں نمبرز اس کا چل رہے ہیں اسکرین پہ میرے ساتھ موجود ہے دا امیزنگ دا ویری ٹیلنٹڈ ڈاکٹر واصف اقبال السلام علیکم وعلیکم السلام تھینک یو آپ نے مجھے اپنے شو میں بلایا اور عزیز ہم دوست اچھے ہیں لیکن ٹی وی پہ ہم لوگ اتنے فارمل ہوں گے کہ ابھی ہم ایسا ہوگا کہ ہم پہلی دفعہ ملے کیسے آپ ٹھیک ہیں بالکل اچھا ماشاء اللہ سے صبح صبح اتنے اچھے لگنا 17 آورز کی ڈیوٹی کے بعد آپ آئے تھینک یو سو مچ آپ پروگرام میں آئے تو یہ مجھے بتائیں کہ گانا اور بینگ اے ڈاکٹر اتنے ڈفرینٹ چیزیں ہیں تو کیسے مطلب ہاؤ ڈو یو مینج بس پھر یہ ہے کہ دو چیزوں پہ فوکس رہتا ہے انسان پھر ادھر ادھر ٹائم ویسٹ نہیں کرتا سو مطلب بینگ اے ڈاکٹر ہاسپٹل کے اتنے سیریس ماحول سے آنا گھر تو شفٹ کیسے کرتے ہیں موڈ کو بس بیکاز ساتھ ساتھ کیونکہ آپ اس کے ساتھ ایک چیز کے ساتھ گرو کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ وہ آپ کے پارٹ آف یور پرسنالٹی بن جاتا ہے وہ چیز تو اس طرح وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت سیریس چیز ہے ایک ڈل ہے ذرا ریلیٹیولی ویری سیریس جاب ہے اور بہت فوکس چاہیے اس میں بھی تو اس سے کچھ بریک بھی چاہیے ہوتا ہے تو پھر دس از لائک میرے لیے کہ یہ بریک ہے اس سیریس مطلب بیلنس کرنے کے لیے سو پھر میں ٹھیک رہتا ہوں جب دونوں چیزیں ہوں زبردست اور بینگ اے اینستھیزیولوجسٹ ہمارے ویورز کو ضرور بتائیں ناظرین آپریشن سے پہلے ایک مرحلہ ہوتا ہے وہ یہ کرتے ہیں اور وہ کون سا مرحلہ ہوتا ہے جی وہ ظاہری اینستھیزیا پیشنٹ کو ایڈمنسٹر کرتے ہیں ہاں جی بے ہوش کر تو اس کا کتنے دنوں کی اسٹڈیز ہیں کہ بیفور ایئرس کی ہوتی ہے جی جیسے اور جو اور آپ نے کس کالج سے کیا میں نے راولپنڈی میڈیکل کالج سے ایم بی بی ایس کیا تھا اور میری جو پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ تھی وہ پمپ سے تھی پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اوکے زبردست زبردست سو مطلب وہ جو اسٹڈیگ کا پیریڈ تھا آپ کا چار سال جی وہ تو بہت مشکل ہوتا ہے ڈاکٹرز کے لیے جی کافی ٹف ہوتا ہے وہ کافی بٹ اس میں بھی میں تھوڑا بہت کرتا تھا کالج کے فنکشنز میں اور ریڈیو پاکستان پہ میں کرتا تھا اس وقت کالج میگزین ایک پروگرام تھا اس میں اچھا ونڈرفل اور آج ہم نے یہ تہیہ کیا تھا کہ کیونکہ کرونا وائرس ایک پوری دنیا میں وبا پھیلی ہے جی تو ایوری بڈی از ویری ڈپریسڈ اور مینٹلی بھی بہت سب اسٹریس میں ہیں تو آج میں چاہ رہی تھی کہ آپ سے گانا زیادہ سنا جائے بالکل اور لیکن اس کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں جتنے ویورز دیکھ رہے ہیں بینگ اے ڈاکٹر ویورز کو سب لوگ ہی بات کر رہے ہیں اور آئی تھنک اب ہم لوگ کافی ویل انفارمڈ بھی ہو گئے ہیں اس کے بارے میں تو اس کی سب کو ہی معلوم ہے تو میں ایک دفعہ پھر یہی کہہ دیتا ہوں کہ اس میں جو ہے آپ کی سوشل ڈسٹینسنگ یا آپ اپنے آپ کو گھر میں رہیں آپ تو یہ بیسٹ ہے اس کی پریونشن اور بہت زیادہ ہینڈز واش کرنا جتنا فریکوینٹلی آپ کر سکتے ہیں فار 20 سیکنڈس اور تھوڑا سا اگر آپ کہیں تو میں تھوڑا سا طریقہ بھی بتا دوں جو اچھا طریقہ کلوز میں اگر دکھائیں گے نا تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا آپ جو ہے جو بیسٹ طریقہ ہے ہینڈ واش کرنے کا وہ آپ جو بھی آپ کا سوپ سے یا جو بھی آپ کے پاس ہے اس میں پہلے آپ سوپ سے ہینڈس کو اس طرح فرسٹ پام کو آپ اس طرح پریس کر کے رب کر کے پھر اس کے بعد آپ نے اس طرح پہلے اس ہینڈ کو کرنا ہے اسی طرح پھر اس طرح اس ہینڈ کو کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ اس طرح کرنا ہے نکلز جو ٹھیک ہے ہاں اور پھر اس سے کر کے یہ نکلز کو اس طرح پھر سے آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ تھمبس پہ آ جائیں 10 ٹائمز آپ نے سب کچھ کرنا ہے ٹھیک ہے 10 ٹائمز کریں آپ ٹھیک ہے اور پھر اینڈ میں آپ نے اس طرح بنا کے اپنی پام کو رب کرنا ہے اس میں اس طرح اور پھر دوسری پام کو یہ ہر چیز آپ نے 10 ٹائمز کرنی ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ابھی تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے بٹ تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا لوگوں کو کہ آپ نے نا ہر چیز کرنی ہے صاحب ہاتھ جو ہے وہ بہت ہاتھ کا کوئی پارٹ رہ نہ جائے دیٹس امپورٹنٹ اور اینڈ میں آپ نے اینڈ میں آپ کریں اگر آپ کے پاس سینیٹائزر ہے تو اس میں بہتر ہے کہ آپ پہلے یہ والا پارٹ کر لیں سینیٹائزر ہاں پہلے یہ آپ کر لیں اور اگر سوپ ہے تو اینڈ میں آپ کر لیں تو
तो ये शायद काफी लोगों को नहीं पता, मगर क्योंकि हमने स्क्रब का जो प्रॉपर सीखा हुआ है तो वी नो के किस तरह इसको करना चाहिए। तो बीइंग अ डॉक्टर तो आपको ज्यादा पता है कि आपको तो हर वक्त धोने पड़ते हैं। तो जब आप सैनिटाइजर से कर रहे हैं, जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर आजकल हैं, तो उसमें आप पहले ये करके बाकी सारी चीजें उसी तरह कर लीजिए, ठीक है, और सोप में एंड में कर लीजिए। अच्छा, और दूसरा है कि मॉइस्चराइज भी रखें, क्योंकि इससे बहुत सूखेंगे हाथ आपके। हाँ, वो अगर जिन कई लोग होते हैं इनके बहुत ड्राई हो जाते हैं तो उसमें आप फिर मॉइस्चराइज कर सकते हैं, लेकिन ये एक मजबूरी अब बन गई है और आपको करनी पड़ेगी। हाँ, ये अब इट्स अ न्यू नॉर्मल जिसको कहते हैं, अब मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ के आप ज्यादा से ज्यादा अपने हाथ धोएं। अच्छा, मुझे आपको बताऊँ क्यों, एक ऑलरेडी बहुत आदत थी जी, एक तो इधर आके मैं हमेशा मेरा हैंड वॉश होता था, बहुत अच्छी हैबिट है वैसे। और उसके अलावा मेरे पास पेट्स हैं तो उसकी वजह से मैं दिन में कोई 20 दफा वैसे ही हाथ धोती थी, तो मेरे लिए अब 20 के बजाय वो 30 हो गया। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि 10 दफा घर से भी जाना कभी पड़ता है। और अच्छी बात है, जितना ज्यादा हम कॉशियस हों उतना ही अच्छा है। जबरदस्त। अच्छा, एक क्विक से कमर्शियल ब्रेक की टाइम आ गया और उसके बाद हम शुरू करेंगे अपना शो। कौन से सॉन्ग आपका होगा? मेरा पहला सॉन्ग जरा सा मैंने फास्ट रखा है क्योंकि लोग बहुत आजकल डिप्रेस हैं, तो मैंने कहा थोड़ा सा फास्ट सॉन्ग पहले करता हूँ, उसके बाद जरा स्लो सॉन्ग्स कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हुस्ने दिलकश है वो पहला। हुस्ने दिलकश। तो एक क्विक सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इनके गाने से ही शुरू करेंगे। लेते हैं क्विक सा कमर्शियल ब्रेक। दिलकश की तस्वीर है जब जा, उसने दिलकश की तस्वीर है जब जा, जिस तरफ देख ले निगाहें उठा, चेहरा चेहरा हंसी दिल नशी दिल रुबा, दिलकश की तस्वीर है जब जा। ये शोखियां ये मस्तियां मर जाएं, वो जो देखें अदा जो हुस्न से है लापता, वो जाए तो जाए कहां, ये शोखियां ये मस्तियां मर जाएं, वो जो देखें अदा जो हुस्न से है लापता, वो जाए तो जाए कहां, चेहरा चेहरा हसी दिल नशी दिल रुबा, उसने दिल कश की तस्वीर है जब जा। नजरों के तीर न मार तू, नहीं दिए होता बेसहारा, ये माना मैंने हुस्न है तू पर मुझको नहीं है जुस्तजू, ये तुम्हारी हंसी रोशनी से भरी चांदनी में ढली, जब दिल ने सुनी दिल ने कहा ये धोखा है बस दुनिया का, मुझे फिक्र नहीं कोई हो या न हो, मैं मस्त हूँ अपनी मस्ती में, क्योंकि रहता हूँ ऐसी बस्ती में, कोई मुझको क्या फिसलाएगा, मुझे देखते ही मर जाएगा मर जाएगा, क्योंकि रहता हूँ ऐसी बस्ती में मर जाएगा, चेहरा चेहरा हंसी दिल नशी दिल रुबा, उसने दिल कश की तस्वीर है जब जा। तस्वीर है जब जा, उसने दिल कश की तस्वीर है जब जा। ये वही नाच, जबरदस्त जबरदस्त यार, बहुत जबरदस्त, मतलब आज बड़े दिन के बाद
تھوڑی سی انجوائمنٹ کا موقع ملا ہے وہاں سے. ویری نائس. آئی لو یور انرجی جو ہے نا آپ کی, بڑی پازیٹیو انرجی ہے, بڑا اچھا لگا آج آپ آئے. تھینک یو سو مچ. میرا جو اسٹریس کم ہوا, جتنے دیکھنے والے ان کا بھی تھوڑا کم ہوا, بیکاز ویری نائس. اور بلکہ میں ناظرین, ہم لوگ دونوں کلیپ کرنا چاہیں گے, ہماری پوری ٹیم کلیپ کرنا چاہے گی. میں واقعی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ فرنٹ پہ یہ جو ایک ایسی جنگ ہے, ایک ایسے دشمن کے ساتھ جو نظر نہیں آ رہا, جس کا نام ہے کرونا وائرس, اس جنگ میں جو لوگ فرنٹ پہ اس وقت, ہم لوگ تو گھروں میں ہیں, لیکن جو ہاسپٹلز میں ڈاکٹرز ہیں, نرسز ہیں, پیرامیڈک سٹاف ہے, اور ساتھ ساتھ کلینرز جو ہیں, وہ جس بریوری سے, یعنی اتنی ہمت اور حوصلے سے اور بہادری سے فرنٹ پہ اس وقت ہیں, ان کے لیے ہم سب کا خاص سلام. ان کی ہمت کو, ان کی بہادری کو خاص سلام. اور واقعی میں ہیٹس آف ٹو دیم کہ آپ بھی, کہ آپ کی 17 گھنٹے کی ڈیوٹی تھی ہاسپٹل میں, اور ایک جو ڈاکٹر ہیں گلگت بلتستان سے ان کا تعلق تھا, بہت ینگ سے, اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, وہ ٹریٹ کرتے کرتے وہ بھی کرونا وائرس کے پیشنٹ ہوئے اور پھر اس دنیا سے چلے گئے. وہی ینگ اینڈ ڈائنامک ڈاکٹر. سو اللہ ان کو غری کے رحمت کرے, ان کے جو فیملی دیکھ رہی ہے ان کو صبر جمیل عطا فرمائے, آمین سم آمین. اور ڈاکٹرز, نرسز, پیرامیڈکس اینڈ کلینرز کے لیے تالیاں آپ لوگ بھی بجا سکتے ہیں. بہت سلام ان کو اور شکریہ بہت بہت. ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں, مجھے بات کریں. جی جی بالکل. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک, تھینک یو سو مچ. آپ سنائیں, کون بول رہے ہیں؟ محسن رضا چکی. محسن رضا, کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں؟ ٹھیک ٹھاک, تھینک یو سو مچ. کہاں سے بات کر رہے کہاں سے بات کر رہے چکری روڈ سے آج سے بات کر رہے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے. چکری روڈ سے, تھینک یو سو مچ. کیا کہنا چاہیں گے؟ فون ہی ڈراپ ہو گیا, خیر کوئی بات نہیں. اچھا, اب دوسرے گانے, اب کیونکہ ماشاء اللہ سے آپ کے 4 سانگز ہیں اور ایک ویڈیو ہے, لیٹسٹ ویڈیو ان کا. پچھلا ویڈیو بھی بہت اچھا تھا, تین پرفضا مقام مری پہ بنا تھا. جی, ویری نائس. اس کا سانگ کا نام کیا تھا؟ یاد, وہ جو پچھلا تھا وہ تھا کیا یاد نہیں تم کو. کیا یاد نہیں تم کو. اچھا, جو ابھی سیکنڈ آپ کا سانگ ہے وہ بھی تھوڑا سلو ہے؟ نہیں, وہ تھوڑا سا فوک میوزک کے ساتھ ہے, اور اس میں ذرا فوک ٹچ ہے, اور فوک وہی میں نے ڈریسنگ بھی فوک کی ہوئی ہے. تو اچھا, فوک ڈریسنگ. جی جی. تو ویڈیو ہے آپ کا؟ جی, ویڈیو ہے وہ ایک. اچھا, آپ اس والے کی پوچھیں جو ابھی آپ سنگنگ کریں گے؟ یہ اس کی کمپوزیشن اور اس کی لیرکس, شاعری بھی میں نے خود کی ہے اور کمپوزیشن بھی میری ہے, اور علی ہاشمی ہیں, لاہور میں ہوتے ہیں, بڑے اچھے وہ میوزیشن ہیں, انہوں نے اس کا میوزک ارینج کیا تھا. اوکے, تو ان کا میوزک تھا. ان کا میوزک تھا. جی. سو اور یہ فاسٹ ہے کہ سلو ہے؟ سلو ہے, بٹ لوگوں کو پسند آیا تھا تو میں نے کہا میں آج یہ سنا دیتا ہوں سب کو. اٹس اے سلو سانگ. اور پلیز پلیز, تھینک یو سو مچ. آج تو میں چاہ رہی ہوں کہ لوگوں کو میوزک کا اوور ڈوز ہو, تاکہ تھوڑی طبیعتیں سب کی تھوڑی نارمل ہو. پلیز, اینڈ آپ نے واقعی شو میں آ کے 4 چاند لگا دیے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. آ گیا وہ چیٹ کٹ کر. چلیں اس کے بارے میں یہی والا کر لیں پھر. یہ کر لیتے ہیں اس کے پھر. اس کے ناظرین, یہ دوسرا والا سانگ ہے, لیکن اس کے بارے ڈیٹیلز اس کے بعد پتہ کرتے ہیں. چلیں یہی والا لگا دیں. بدزرا کرا راشا مہربان.
मैंने कहा वासिफ के लिए थोड़े से वीडियो भी बना लूं। एक सेकंड वासिफ आए, जरा एक पिक्चर भी ले जरा, बड़े दिन बाद। जी जी, ब्लैक एंड ग्रे का कॉम्बिनेशन। आजीन जल्दी जल्दी कॉल भी आप कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको शो आज का कैसा लग रहा है। ओह ये तो वीडियो हो गया, सॉरी। स्माइल, वेरी नाइस, थैंक यू, थैंक यू सो मच। वेरी नाइस, बहुत अच्छा था। अच्छा, ये बड़ा कुछ सैड सा गाना था, थोड़ा सा सैड। रोमांटिक और सैड दोनों हो ना जी, आजकल तो सैड ही चल रहा है। अच्छा, तो पश्तो आपने कैसे सोचा? बस ये था कि मैंने एक पश्तो गाने गाए थे जो काफ़ी पॉपुलर हुआ, फिर लोगों ने मुझे कहा कि नहीं आपका पश्तो अच्छी आप गा सकते हैं, तो और फिर ये कि उसके काफ़ी सारे सुनने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं, तो मैंने कहा चलो। फिर मुझे किसी ने, जो मेरे म्यूज़िक ज़्यादातर बनाते हैं, तो उन्होंने आइडिया फ्लोट किया कि हमको एक रीजनल लैंग्वेजेस में भी एल्बम बनाना चाहिए जिसमें पश्तो और सराइकी और इस तरह के पर्शियन भी है उसमें। तो सराइकी गाया है कोई आपने? जी, सराइकी एक मैंने गाया है, अभी उसकी ट्रीटमेंट हो रही है उस गाने की, मगर रिकॉर्ड। अच्छा, जबरदस्त, दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, तो ये आपने जो पश्तो गाया था लास्ट आपने शो में गाया था, मीना मीना। जी जी, वो बहुत अमेजिंग सॉन्ग है, तो मेरा बहुत फेवरेट है, तो आज वो भी सुनाएंगे आप? जी, वो मैं सुनाऊंगा जरूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नाजीन, आप लोग जल्दी जल्दी कॉल भी कर सकते हैं, आप लोगों के कुछ मैसेजेस भी जल्दी से शामिल कर लूं, ताकि फिर आप ये ना कहें कि आपने मैसेज नहीं शामिल किए। आपकी इजाज़त से कर लूँ एक दो मैसेज जल्दी से शामिल। अच्छा जी, सलाम मिशी, आप ही, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। आप ही तंबूरा जो येलो कलर की होती है उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? तंबूड़ी, तंबूड़ी इंग्लिश में? ये तो बड़ा क्या कहते हैं? अच्छा, इसको पता है ना। नाजी, मैं इंग्लिश भी भूल गई इतने दिन घर में बैठ बैठ के। आई थिंक वो तंबूड़ी को क्या कहेंगे? हनी बी। हनी बी तो शहद की मक्खी होती की है, जो येलो वाली, उसका मेरे भी अभी सर्च है। स्टिंगर, ओ स्टिंगर बी, स्टिंगर बी यानी काटने वाला मक्खी। अच्छा जी, बहुत जबरदस्त सॉन्ग है, करारा राशा मेहरबानी करके सुना दें आपके लिए, बहुत अच्छा सॉन्ग इन्हें लगा है। थैंक यू सो मच जी। अलीशा नसीर जो है फ्रॉम मियांवाली, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ज़बरदस्त सॉन्ग आपने गाया है। और नाम इन्होंने नहीं लिखा, ये दूसरा आपके लिए मैसेज था। थैंक यू जी। अच्छा, जल्दी जल्दी शामिल कर लूँ। अच्छा जी, बीवी, अच्छा जी, ब्यूटिफुल होस्ट एंड ब्यूटिफुल गेस्ट प्रोग्राम, वेरी इंटरेस्टिंग टॉकिंग, मतलब टॉकिंग उन्हें अच्छी लगी है। टॉक अच्छी थी एंड वॉक भी अच्छी थी, और वॉकिंग टॉकिंग एंड ईटिंग। अच्छा जी, आपके मैसेज आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। अब ये कि मैं चाहूंगी कि अब कौन सा सॉन्ग सुनाना जी, आई थिंक वो मैंने ही शायद वो कह दिया। अब वीडियो, आई डोंट नो क्या वो कह रहे हैं, वीडियो, वीडियो का प्लान है, वीडियो का प्लान इनका, वीडियो चल के। अच्छा वीडियो, अच्छा ये जो आपने सॉन्ग था इसके बारे में बताया, वीडियो जो है वो कहाँ पे शूट किया आपने? ये नथिया गली में शूटिंग हुई है। क्या आपकी फेवरेट है नथिया गली?
بس وہ اسلام آباد سے بھی ذرا قریب ہے اور بہت خوبصورت جگہ ہے. ہمیں بتا دیا اگر ہم بھی چلے جاتے بار صاحب اکیلے چلے جاتے نیکسٹ ٹائم سب کو ساتھ لے کر جاؤں گا. مجھے تو بتا دیتے میں بھی چلی جاتی. سو چل کے ان کا زبردست. اچھا اس میں آپ نے فوک ڈریسنگ کی ہوئی ہے. جی جی بالکل. کیسی مطلب؟ یہ زیادہ پٹھان اور پشتو زیادہ اس میں اٹائر ہے میرا جو پختون اٹائر ہے. پگڑی اور پگڑی بھی پہنتا تھا. جی بالکل. ناظرین چل کے ان کا زبردست سا ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بعد واپس آتے ہیں. یہ میں بتا دوں یہ وسیم نیاز صاحب ہیں ان کی کمپوزیشن ہے. انہوں نے ہی میوزک دیا ہے اس میں. نیاز احمد صاحب کے بیٹے ہیں اور میرے استاد بھی ہیں. میں سیکھ بھی رہا ہوں. نہیں نہیں وہ ہمارے شو پہ بلکہ آئے بھی تھے. بہت زبردست آپ کا سانگ ہے. آل دا بیسٹ یو. اور بلکہ باتوں میں ایک اور جو بہت امپورٹنٹ لوگ رہ گئے ہیں جن کا تھینک یو ہمیں کرنا ضروری ہے وہ ہے میڈیا پرسنل جو کہ ان جگہوں پہ جا کے کیمرہ مین اور یہ جتنے لوگ ہیں یہ جا کے جو اس وقت اس سچویشن میں ہم لوگ تو گھروں میں ہیں تو ان کے لیے بھی بہت ساری تالیاں اور ویلکم ویلکم جو ہے مختار احمد راجہ بڑے دنوں کے بعد تشریف لائے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ کی شرٹ پہنی ہوئی آج؟
कौन सी है ब्लैक, कुछ दिमाग टेलीपैथी चल रही थी सो उनको वेलकम। अब नाज़रीन चुकंदर और चुकंदर की तरकारी मैं निकाल रही हूँ, बहुत अमेजिंग बनी है, मैं उस वक्त मैंने टेस्ट भी कर ली जल्दी में, और एंड में इनका सॉन्ग मीना मीना जो मेरा बड़ा फेवरेट है। अच्छा, इस दौरान मैं चाहूँगी आप जो हमारे जितने लोग देख रहे हैं बीइंग एनेस्थीसियोलॉजिस्ट डॉक्टर, तो कुछ ऐसी बातें आप जितने लोग हैं उनको बता दें जो कि बेसिक हैं, जो कि आपके थ्रू जाएंगी तो दे विल अंडरस्टैंड इट बेटर, प्लीज़। जी, क्योंकि आजकल कोरोना वायरस की कि हमें एक आजमाइश कह सकते हैं हम पर है, तो ज़्यादा मैं इसी के हिफाजती जो सब कह चुके हैं वही मैं फिर से यही कहूँगा कि आप घर पर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग करें। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है कि कम से कम 2 मीटर तक आप फासला रखें, कोशिश करें ताकि जो ड्रॉपलेट्स अगर कोई छींकता भी है तो वो हैवी होते हैं तो वो ज़मीन पे बैठ जाते हैं, इसलिए इतने दूर डिस्टेंस तक नहीं जाते। और मास्क पहनना अच्छा है और ये भी एक हिफाजती तदाबीर है, मगर सबसे बेस्ट इसका जो अभी तक यही देखा गया है कि इसमें सोशल आप जो आइसोलेशन या घर पे रहें वो बेस्ट है, और आप अपने घर को साफ रखें, अपने नॉब्स वगैरह पे भी आप स्प्रे कर सकते हैं डिटॉल वाटर वाला स्प्रे या कुछ भी ताकि वो क्लीन रहे। जब आप एंटर हो रहे हैं तब भी आप स्प्रे कर लें नॉब्स पे, हाथों को सैनिटाइज करें, हाथ सब ज़्यादा धोएं, 20 सेकंड्स के लिए धोएं, और कोशिश करें जितना ज़्यादा आप एहतियात कर सकते हैं, और बिल्कुल हाथ मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल हाथ मत मिलाइए, कोनी मिलाए, दूर दूर से सलाम कीजिए, मैं तो कहता हूँ कोनी भी ना मिलाएं, दूर दूर से। हाँ, मतलब दूर से भी क्या, इतना क्या है जो आके आपने जपौड़े मार रहे हैं जाके। और बिल्कुल बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़रूरी हो कुछ जाहिर है मजबूरन अगर बाहर निकलना है तो फिर आप निकलें, और उसमें भी कुछ मैंने स्टोर्स पे देखा है बड़ा अच्छा है कि उन्होंने ऐसे गोल दायरे बना दिए हैं जिसमें आप खड़े होते हैं और उनमें बीच में 2 मीटर का फासला भी है, तो आप उसी को फॉलो करें, बिल्कुल एक जगह झमघट्टा ना करें, और उसी तरह लाइन बना के आप दूर दूर खड़े होके जो भी आपने चीज़ ज़रूरी लेनी है वो लीजिए। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, और घर में रहिए प्लीज़, बिल्कुल बाहर रहने की ज़रूरत है। खबरदार बाहर नहीं निकलना आप लोगों ने। ओके, थैंक यू सो मच वासिफ। अब नाज़रीन ये ज़रा देख लें, उफ जो बनी है ना ये तुर्कौरी, इसका क्लोज दिखा दें मेरे भाई प्यारे। ओह, अब देखें नाज़रीन, एले एले कितनी ज़बरदस्त, ये अब आप खाएंगे, परफेक्ट टेस्ट है नाज़रीन, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं ग्लव्स उतारने वाली थी, नहीं ऐसी बात नहीं है। अब मैं चाहूँगी कि एंड में आपका जो सॉन्ग है मीना मीना जी, वो इंशाल्लाह सुनते हैं। नाज़रीन थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, और ये एहतियाती तदाबीर अपना के रखें, और रात में रिपीट में 11 बजे आएगा शो हमारा, रिपीट में कि 9:30 बजे, 9:30 बजे आज रात को रिपीट में प्रोग्राम देखना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह कल सुबह आपसे 9:30 बजे मुलाकात होगी किड स्पेशल में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। आए मीना।